કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સ્વ અહમદ પટેલની 74મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે સ્મરણાંજલિ સભાનું ભરૂચના રોટરી ક્લબ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ સ્મરણાંજલિ સભામાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ, અહમદભાઈ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલ, તેમની પુત્રી મુમતાજ, આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સહિત અન્ય રાજકીય અગ્રણી અને કોંગ્રેસજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે શક્તિસિંહ ગોહિલે રાજકીય વાતથી દૂર રહી અહમદભાઈ પટેલના યોગદાનને બિરદાવી તેઓના લોકહિત પ્રત્યે તેઓની પ્રતિબદ્ધતાને પણ યાદ કરી હતી. તો આ પ્રસંગે આવેલા આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ કોંગ્રેસ સાથેના ગઠબંધનના લોકસભાની ચૂંટણી લડવામાં આવશે અને તેમ નહીં થાય તો ગુજરાતની તમામ 26 બેઠક ઉપર આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર ઉતારશે તેમ પણ કહ્યું હતું. સ્વ અહમદભાઈ પટેલની સ્મરણાંજલિ સભામાં પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી તુષાર ચૌધરી, ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા, જ્ઞાનસુદ્દીન સૈયદ સહિત અન્ય કોંગ્રેસ અગ્રણીઓ સહિત ખૂબ જ વિશાળ સંખ્યામાં કોંગ્રેસજનો અને પ્રજાજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. હર ગુજરાતી કે દિલ મે જિનકી જગહ હૈ એસે અહમદ પટેલ જી કી આજ બર્થ એનિવર્સરી જન્મ જયંતી હૈ. પરિવાર ઓર ઉનકે ચાહને વાલે લોગો ને આજ યહાં પે બર્થ એનિવર્સરી પે જો उनकी याद में प्रोग्राम रखा है उसमें शामिल होते हुए खुशी हो रही है. एक ऐसे इंसान जिन्होंने ना जाति देखी, ना मज़हब देखा, ना प्रांत देखा, इंसानियत के नाते जिनको भी ज़रूरत थी उनको मदद करते रहे. यहाँ के चाहे नर्मदा डैम की बात हो या पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरात में बना, राजीव गांधी जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी होने के नाते, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होने के नाते जो डेवलपमेंट के काम उन्होंने किए, कभी उन्होंने मैंने किया ऐसा नहीं किया. गुजरात के गुजरात को, हर गुजराती को उनकी कमी हर वक्त खलेगी. कांग्रेस पार्टी के लिए भी हमने एक बहुत ऐसी बड़ी हस्ती गंवाई है जिनकी जगह कोई ले नहीं सकता है. मैं आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, जन्म जयंती पे श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ. करने की जो उनकी कुशलता थी इस एरिया में, बहुत उनका काम आज भी हमको दिख रहा है, बोल रहा है, और यहाँ के लोग उनके लिए एक आदर सम्मान से उनको याद कर रहे हैं. तो आज हमारे एरिया से भी कई सारे लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं. साथ ही साथ में देश में अभी जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो इस चुनाव में 26 जितनी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन किया है, तो आने वाले दिनों में गुजरात समेत पूरे देश में गठबंधन की तहज पे ही लड़ने वाले हैं. साथ में ही ये जो भरूच की जो सीट है, तो भरूच के सीट पे आम आदमी पार्टी से हमारे भी कैंडिडेट ने दावा किया है, मैंने खुद भी दावा किया है, साथ में कांग्रेस में से ममता जी ने भी दावा किया है. तो आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस का कैंडिडेट रहता है तो हम साथ में मिलकर उनको जिताने का काम करेंगे. अगर हमारा कोई कैंडिडेट रहता है तो कांग्रेस के लोगों के सहकार से हम उतरेंगे. ऐसी आज पूरी चल रही, वो आने वाले टाइम पे ही बताएंगे, लेकिन हम एकजुट है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान हुए हैं भाजपा से. इतने सालों तक उनका गुजरात में शासन रहा, देश में शासन रहा, 30 सालों से मनसुख भाई खुद यहाँ से सांसद है, फिर भी वो पूरे निष्फल हुए हैं. तो आने वाले दिनों में हमारी पूरी टीम एक होके जो भी गठबंधन में जो भी कैंडिडेट आएगा उसको जिताने का हम काम करेंगे.